नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और पब्लिक पोल का ये सफर लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं पश्चिम बंगाल के मालदा लोकसभा क्षेत्र में। ये वो क्षेत्र है जो कांग्रेस का अपराजेय किला बारी जाती रही है और इस किले को भेदने के लिए बीजेपी से लेकर टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है। इस सीट पर बीजेपी ने बहुत मेहनत किया और हालात 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे बन गए कि बीजेपी इस सीट को महज 8,500 वोटों से हार गई और टीएमसी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए जहां टीएमसी पूरी मेहनत कर रही है, वहीं बीजेपी को भरोसा है कि पिछले बार का अंतर इस बार कम किया जा सकेगा और इस सीट को ऐतिहासिक रूप से जीता जा सकेगा। ऐसे में मालदा के लोकसभा क्षेत्र में रहने वालों के लोगों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या है मुद्दे, किस नेता को वो पसंद कर रहे हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और किस पार्टी को जीत मिल रही है, इसी मुद्दों पर करने जा रहे हैं हम पब्लिक के बीच पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक पोल। बने रहिए हमारे साथ और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे क्या है मालदा का मूड और कौन जीत रहा है मालदा लोकसभा क्षेत्र से। मालदा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। हर चौक, हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर सिर्फ चर्चा ये कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा। एक चाय की दुकान पर है और ये तमाम लोग बैठ के शायद चुनाव की ही चर्चा कर रहे होंगे। क्या चर्चा चुनाव की हो रही है या कुछ और हो रही है? चुनाव की हो रही है, चुनाव की चर्चा हो रही है। हाँ। क्या चर्चा हो रही थी ये बताइए जरा। यहाँ चुनाव आ रहा है 7 तारीख में, यही चुनाव है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा। हाँ। लेकिन मालदा तो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर दीदी इस गढ़ को फतेह कर लेंगी या फिर वो बीजेपी करिश्मा कर जाएगी बंगाल में जो आज तक नहीं हुआ। अभी तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। हाँ। बहुत कंफ्यूजन है। हाँ। तो सब कोई आ सकता है, सब कोई आ सकता है। लेकिन बताइए काम किसने किया है? मोदी जी ने काम किया है, ममता दीदी ने काम किया है, कांग्रेस ने काम किया? अभी तक तो मालदा में जो किया है तो पहले किया था गनी खान। हाँ। इसके बाद कोई अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा। मोदी जी तो अभी तक नहीं आया है। हाँ। आएगा तो देखा जाएगा क्या चल रहा है। आप तो युवा है, क्या इस बार बंगाल का युवा किस तरफ देख रहा है? जरा मोदी की तरफ। मोदी की तरफ? अरे भैया क्यों, ममता दीदी नाराज हो जाएंगी? नहीं, नाराज से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन हम सब दिल्ली में तो मोदी के रखेंगे ना। अच्छा, दिल्ली में मोदी जी चाहिए और बंगाल में किसको चाहिए? परिवर्तन चाहिए, बंगाल में भी परिवर्तन चाहिए। अच्छा, ये बंगाल के लोग बोल रहे हैं इस बात को? हाँ, बोल रहे हैं। अब हो गया 15 साल दीदी को देख लिया, 35 साल वाम दलों को देख लिया, अब परिवर्तन होना, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों होना चाहिए? करप्शन, करप्शन, करप्शन बड़ा मुद्दा है चुनाव? बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ दादा, 100% किसको? बीजेपी को। क्यों? क्यों बीजेपी हम लोग का अच्छा लगता है। बीजेपी बंगला लोग ममता दीदी को पसंद करता है, वाम दलों को पसंद करता है, कहाँ बीजेपी करते थे हम लोग 2010 के बाद जब आया ममता दीदी। हाँ। बहुत अच्छा था। हाँ। 5 साल बहुत अच्छा था, 5 साल पहले। हाँ, 5 साल बहुत था, 14 के बाद से वो जो करप्शन में भर दिया यहाँ। हाँ, आप देखिए सिक्का घोटाला देखिए, जो 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 उसका वो है सिक्का घोटाला तो है ही है, करप्शन में पूरा भर दिया। करप्शन एक इशू है, एकदम पूरा करप्शन है। बंगाल के लोग टीएमसी से क्या उब गए हैं, लग रहा है कि अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया? हाँ, करप्शन के लिए बहुत आदमी। हाँ। बिगड़ गया आगे से। हाँ। पहले जैसा चाहता था अब उतना नहीं चाहता है। हाँ। करप्शन के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट दीदी ने किया है कुछ बंगाल में जिसके नाम पर? वोट बहुत किया है, डेवलपमेंट किया है, अच्छा काम चल रहा है। हाँ। लेकिन आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते, ममता दीदी को क्यों नहीं देखना चाहते आप? राहुल गांधी उतना मोदी का ऐसा नहीं चला सकेगा देश। हाँ। का देश को नहीं चला। क्या कह रहे? पप्पू है कौन? राहुल गांधी ऐसा नहीं कहते, कोई भी किसी को नहीं था। पप्पू है, क्यों ऐसा बोल रहा है? पार्लियामेंट में मैं पप्पू हूँ। हाँ दादा, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? हुमायूं कबीर। हाँ, हुमायूं कबीर, कबीर साहब है। तो ये बताओ क्या चल रहा है, ये बताइए क्या चल रहा है चुनाव में? खेल चल रहा है, खेला। अच्छा, खेला होवे कि ना होवे ए बारे, खेला होवे कि ना होवे? एक बार तो मोदी का खेला होगा, मोदी का खेला हो जाएगा। बंगाल वाले क्या सोच रहे हैं इस बार? बंगाल वाले सोच रहे हैं कि कैसे दीदी को कैसे हटाया जाए। अरे बाप, आपका अनुभव क्या कहता है इस बार? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में दादा का बंगाल का अनुभव क्या कहता है ये बताइए। अरे इलेक्शन जो होता है सब दलित तो ऐसे करता है। अच्छा। क्या बोलेंगे हम, अच्छा और बुरा कोई, देखिए हर आदमी या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, या कोई कम अच्छा होता है या कोई ज्यादा अच्छा होता है, या कोई कम बुरा होता है कोई ज्यादा बुरा होता है,
कौन बढ़िया, बीजेपी बढ़िया, कांग्रेस बढ़िया, सब एक दल है या दीदी बढ़िया? सब एक दल है। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं इस बार के चुनाव में मालदा के लोग किसको अपना सांसद, किस पार्टी से अपना सांसद देखना चाहते हैं? सांसद कौन बनेगा? हाँ। एक आदमी ये बड़ा चीज नहीं है। हाँ। उसका टीम का बड़ा टीम है। हाँ। जो टीम चलाता है, जो पार्टी है, जो पार्टी है। हाँ। यहाँ में जो पार्टी चल रहा है पश्चिम बंगाल में। हाँ। ये सब दुनिया में चीट बन गया आदमी। हाँ। दुनिया सब जगह में ऐसा सब दुलम बन गया। हाँ। कोई ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ की जनता चाहता है इसको चला जाना चाहिए। किसको? जो चल रहा है, चल रहा है, मौजूदा है। कौन है? अभी आप जानिए कौन है। अच्छा, आपको मालूम नहीं है? नहीं बोलना चाहते अभी, आप जानते नहीं। तो आम लोग इससे नाराज हैं? हम लोग 100% आपको भी लगता है एक जैसे हैं या कुछ अंतर है? ममता दीदी थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हो, या ममता दीदी ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, मोदी जी खराब? मोदी जी अच्छा है, मोदी जी अच्छा लगते हैं। अच्छा, रखने पर आप बंगाली? हाँ हाँ। बांग्ला लोग भी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? एकदम पसंद करेगा मोदी। यहाँ लोग तो बड़ा, मैं सुनता हूँ बड़ी हिंसा, कोई मोदी जी का नारा लगा देता है ना, बीजेपी का झंडा लगाता है, उसको मारते हैं। बंगाल में हमारा परिवर्तन चाहे। हाँ। ममता का नहीं चाहता है। अच्छा, बंगाली लोग ये तय कर चुके हैं एकदम बीजेपी? मोदी जी ममता को चेंज करना है। अरे बाप रे। हाँ, ये बंगाल का चाय वाला बोल रहा है, बंगाल का चाय वाला बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, चेंज करना है इसको, चेंज करे जैसे हो चेंज करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मालदा के एक इलाके से चाय की दुकान पर बैठे लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे हम, और ये समझने की कोशिश कि मालदा में क्या चल रहा है, कुछ और इलाकों में, कुछ और लोगों के बीच कुछ और राय जानने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए मालदा के चुनावी समीकरण को आप तक पहुंचा सके। बने रहिए हमारे साथ।